चंदगांव बेस कैंप की ओर। जाओ भगवान के हवाले, मेरे लिए भी दुआ करना, ठीक है? अरे बिल्कुल। बारिश हो रही है। हर महादेव दोस्तों, टाइम टू ट्रैवल में आपका स्वागत है। इस बार हम आपको लेके जा रहे हैं श्री अमरनाथ यात्रा के पे, और इस वक्त हम जम्मू तवी के रेलवे स्टेशन पे। सबसे पहले आपको जाने के लिए यहाँ पे जम्मू तवी आना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये RFID कार्ड बनवाना पड़ता है, जो यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं। जैसे दोस्तों, ये अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन पास काउंटर है। यहाँ पे श्री अमरनाथ साइन बोर्ड की तरफ से RFID कार्ड बनाया जाता है, जैसे वैष्णो देवी में होता है वैसा ही है। तो ये देख सकते हो, यहाँ पे सभी पर्सनों को अलग अलग इंडिविजुअली ही अपना ID कार्ड लेके, हमारा RFID कार्ड बन चुका है, और यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं। देख सकते हो आप, आज 4 अगस्त है, हमारे यात्रा पास मिल गया, ये ID कार्ड मिल गया, हमारे सभी दोस्तों को इजीली एक्सेस हो गया, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो जुलाई के सेशन में ज़्यादा भीड़ रहती है, तो इसलिए आप थोड़ा लेट करके आओ तो और बेस्ट है। तो नो नीड, ज़्यादा भीड़ की जरूरत नहीं पड़ी, हम आराम से इजीली हो गया है। तो अब हम सीधे अब यहाँ से चलेंगे। हम लोग इस बार अगस्त में आए हैं, तो एक्चुअली भीड़ ज़्यादा है नहीं। अभी जुलाई में आते तो शायद बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली थी। यहाँ से अब हम लोग जाएंगे भक्ति नगर, वहाँ से आपको बताते हैं क्या प्रोसेस रहता है। और मेरे फ्रेंड सारे सबका ID कार्ड मिल चुका है, तो भाई एक बार बोल दो हर महादेव। हर महादेव। दोस्तों, ये जम्मू तवी का बस स्टैंड है, यहाँ से आपको कटरा के लिए, पहलगाम के लिए, श्रीनगर के लिए आपको टूरिस्ट बसें और लोकल बसें मिल जाएंगी, और सरकारी बसें भी है। तो इनका रेट अभी हमें फिक्स नहीं हुआ है, पर आपको बता देंगे। ये देख सकते हो आप, काफ़ी लोग आ जा रहे हैं यहाँ से। दोस्तों, प्लान में थोड़ा चेंजेस हो गया है, अब हम लोग भक्ति नगर नहीं जा रहे हैं, अब हम लोग सीधा जा रहे हैं पहलगाम, क्योंकि हमें एक गाड़ी मिल गई है जो सीधा पहलगाम की ओर जा रही है, तो हमने वही बुक कर ली है। तो फिर सीधे चलते हैं पहलगाम। तो आपको जम्मू तवी से जैसे आप रेलवे स्टेशन बाहर निकलोगे, तो आपको राइट हैंड पे आपको मिल जाएगा बस डिपो, वहाँ से आप बस ले सकते हो जो पहलगाम और श्रीनगर कटरा माता वैष्णो देवी तक जाती है। तो इजी एक्सेस है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसपोर्ट आसान है। और आपको उसके आगे ही निकलते ना एक राइट साइड पर गली मिलेगी, इसमें आपको सेम मार्केट फ्री लगी हुई है, जो आप चीज़ें और ले सकते हो। और अभी हम लोग जा रहे हैं जम्मू से पहलगाम तक के लिए, इनोवा बुक करी है, तो वहाँ पे जा रही है। अभी आपको बताते हैं उसका क्या प्राइस रहता है। तो भाई, ये अमन एंड कौन ट्रैवल है, इसके थ्रू हम लोग जा रहे हैं पहलगाम तक सीधे। हम लोग जम्मू से सीधे पहलगाम की बस ले रहे हैं, जो अमन एंड कौन ट्रैवल के थ्रू ले रहे हैं, और ये टॉप नंबर 68 है। तो इन्होंने बुक करा है, जो हमें 5 बंदों का प्राइस दिया है, हमने थोड़ा बार्गेनिंग किया, उसके हिसाब से 3500 रुपये है, जो कि जम्मू से सीधे आपको पहलगाम तक छोड़ेगी। और एक बार अगर आते हो इधर, तो एक बार इनकी शॉप पर जरूर विजिट करो, क्या पता आपको थोड़ा सस्ता और बजट में एक प्राइस मिल जाए पहलगाम तक के लिए, क्योंकि कल तक का वेट करना और प्लस बस से जाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम सीधे डायरेक्ट आए जम्मू से और यहाँ से जा रहे हैं। तो प्राइस आपका 3500 रुपये है 5 बंदों का, और सब में इनोवा गाड़ी है, यात्रा एकदम ओके रहेगी। तो आप वहाँ जाके आपको बताते हैं, और रस्ते में भी आपको डिस्कशन करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, क्या क्या बताना है। इस बार 2 महीने का सावन पड़ रहा है, 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक का, तो इसलिए हम लोग अगस्त में अमरनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। भाई, हमारी गाड़ी आ चुकी है, और ये रे हम सारे जा रहे हैं, पहले से कुछ लोग बैग रखे हुए हैं। बैग रख लिए, अब बैठते हैं, फिर चलते हैं। एक गाड़ी चल पड़ी है डेस्टिनेशन की ओर, कमल आगे बैठा हुआ है, कमल हमारे पीछे बैठे हुए। जम्मू तवी, हाँ, नदी का नाम ही है जम्मू तवी। मंदिर है, 5000 फुल करवा लिया हम लोगों ने, अब गाड़ी चल पड़ी अपनी सवारी। ओके, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से पहलगाम बेस कैंप तक की दूरी 255 किलोमीटर के आसपास है, जिसको कवर करने के लिए आपको 8 से 7 घंटे का टाइम लग जाता है, या अगर ट्रैफिक मिलता है तो थोड़ा उससे ऊपर भी मिल सकता है। भाई, सूरज के बारे में बात हो रही है, सूरज
ये ब्लॉग देखेगा ना तो देखो सोच के हिचकी आ रही होगी अभी, गाली बनती है मैं तेरे बारे में बात हो रही हूँ। वही कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, एक्साइटेड है, बारिश होगी तो हमारा दोस्त आगे ड्राइवर से बात कर रहे हैं, दोस्त बैठ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे पता नहीं है आगे आपको, अभी अभी पहली बार आए हैं तो आपको अमरनाथ यात्रा में कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा पहला टोल प्लाजा, पहला टोल प्लाजा आ गया यहाँ पे, फर्स्ट टोल प्लाजा। नहीं भैया नहीं चाहिए, क्या नाम है यहाँ का टोल टूरिज्म एरिया का नंबर? बंद भैया, BAN बंद टोल प्लाजा है पहला, जो जम्मू से पहलगाम की तरफ जाते हुए फर्स्ट। तो अर्धकुमारी है, देख अर्धकुमारी, अबे हाँ अर्धकुमारी भाई, देख रहा है इतना नजदीक आ गई, मैं कह रहा हूँ पहचान गया मैं, ये अर्धकुमारी है, वो त्रिकुट पर्वत है उसके पीछे। अब भाई तीन चार बार आ गया, बारिश तो पड़ेगा, मैं सोच रहा भाई जय माता दी। टाटा वाला हाईवे है, यहाँ पे हम जम्मू से पहलगाम की ओर जा रहे थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, तो अभी ड्राइवर साहब हमारे स्टेपनी लगा रहे हैं, तो अभी फेंक दिए गाड़ी के, टायर पंचर हो गया है, स्टेपनी लगा रहे हैं, हम सब वेट कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा डिले हो रहा है पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ ट्रक खड़े हुए हैं जो कि सिर्फ नो एंट्री के लिए चक्कर में खड़े हुए, और कल से खड़े ऐसा सुनने मिला है। तो ये प्लाटा आपको दिखा देते हैं, हाईवे टू वे हाईवे, और हाईवे एकदम क्लियर खाली पड़ा है, और पूरा आपको यहाँ पे 360 व्यू मिलेगा, ग्रीनरी पूरी पूरी पूरी, और बहुत ही मज़ा आ रहा है सही बताऊँ तो। इसी बहाने में ब्रेक भी मिल गया और हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, भगवान महादेव के दर्शन भी बहुत जल्दी करेंगे हम लोग, और मैं यात्रा मंगल में हो ऐसा मैं होप करता हूँ। तो हर हर महादेव दोस्तों। ड्राइवर साहब ने स्टेपनी लगा ली है, टायर पंचर हुआ था हमारा, तो उसके बाद उससे 10 से 15 मिनट का टाइम लगा, फिर उसके बाद हम लोग चल पड़े कैंटीन की यात्रा स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने गैप लिया खाने पीने के लिए, इधर साइड में होटल्स है, कुछ चाय पानी नाश्ता कर लेते हैं, सुबह से भूखे भूखे निकले पड़े हैं सारे के सारे, आप कुछ खाते हैं देखते हैं क्या मिलता है यार। खाना खाने के लिए हमने हमने प्रमोद को बताया है, अब जा रहे खाना खाने, और मटर पनीर, शाही पनीर और सारी पनीर खाएंगे। एमएनसी कंपनी का आई कार्ड, एमएनसी से भी बड़ी कंपनी है उसका आई कार्ड है, हम वहाँ जा रहे हैं। ये हमारा होटल है। लो भाई खिलाड़ी तैयार, की लोकल डिश है खिलाड़ी, जो कि दूध और ब्रेड को करके बनाया गया, पर हमें अंडे जैसा लग रहा है, पर एक्चुअली दूध है जला हुआ, और ये चटनी है तो चटनी से पहले जला हुआ नहीं है, अच्छा है, खा के देखते हैं, देखो कैसा लगा। कैसा है कमल, कैसा है देख के तो बता, मुंह मत बना, इधर देख के बोल कैसा लगा इसका भाई, मुंह का रिएक्शन। चीज है, चीज है दियो, और मनवा लेंगे, मैं भी तो खा के देखो क्या है, पता नहीं मैंने कहा दियो खाने में सही लेंगे। खाना प्रमोद कैसा लग रहा है? ये ना चेन्नई चल वे, ये ना चल वे,
भाई हम कश्मीर में एंट्री कर चुके हैं और इस वक्त थोड़ा मौसम बिगड़ा हुआ है तो पहाड़ आपको क्लियर दिखाई व्यू मिलता है, तो इस वक्त अभी इतना अच्छा व्यू नहीं मिल रहा है। उतरो और निकलो, जाओ भगवान के हवाले, मेरे लिए भी दुआ करना, ठीक है? अरे बिल्कुल, इसमें क्या बात है। तो भाई दोस्तों, हम लोग पहलगाम चेक पोस्ट पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम आगे पहलगाम बेस कैंप पे रुकेंगे, उसके बाद वहाँ से अगली मॉर्निंग चलेंगे। तो अभी क्योंकि इवनिंग का टाइम हो गया तो अभी थके हुए भी है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ आने में लगभग आपको 8 घंटे लग जाएंगे। भाई हम गाड़ी से आने वाले भाई, ये बेस कैंप है जाने के लिए पहलगाम का। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी बिल्कुल भीड़ नहीं है, अगस्त के महीने में इतनी भीड़ होनी नहीं है। तो जनवरी में हो सकता है भीड़ नहीं, हम लेट या तो हम लेट है इसलिए भीड़ नहीं है, पर हम जो भी है ठीक है, हम बहुत सही है भाई, हम बहुत अच्छे टाइम पे आए हैं। बारिश भी कम हो रही है और सब कुछ ओके हो रहा है। कहाँ बताया था दोस्तों? ये चेकिंग काउंटर है, चेकिंग हो गई है बैगों की। 200 मीटर दूर बेस कैंप है दोस्तों, चेकिंग हो गई है। अब 200 मीटर है बेस कैंप और बेस कैंप की ओर हम लोग चल पड़े हैं। वहाँ पे जाके स्टे करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फ्रेश होंगे और अर्ली मॉर्निंग करेंगे यात्रा स्टार्ट। तो भाई बोलो, काफ़ी मज़ा आ रहा है, अर्ली मॉर्निंग करेंगे। यो, हम पांचों फर्स्ट टाइम अमरनाथ यात्रा पे आए हैं और जो एक्सपीरियंस रहा है अभी हम कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उसका हम शब्द में बयान नहीं कर सकते आपको कैसा एक्सपीरियंस है हमारा। बेस कैंप नूनवान, नूनवाल बेस कैंप में हम लोग ठहरे हैं। यहाँ का जो टेंट हाउस हमें पड़ा है 300 रुपये पर पर्सन पड़ा है, तो 5 जनों के हिसाब से 1500 हो गया है। और आपको दिखा देते हैं कि हमारा टेंट हाउस किस तरीके का है, ये आप देख सकते हो। तो दोस्तों, ये बेस कैंप पे हमारा 300 रुपये पर पर्सन पड़ा है, तो हम 5 जन हैं, तो 1500 रुपये में हमारा हो गया है। और आगे इधर जाके आपको लंगर बाथरूम सब कुछ की सुविधा दे रखी है, एकदम मतलब लग नहीं रहा, आप ढूंढना पड़ेगा, हर एक चीज़ मिल रही है आपको। लंगर की सुविधाएं हर बेस कैंप में मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको भरपेट खाना खिलाया जाएगा और उसका कोई चार्ज नहीं होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। भाई दोस्तों, रात का खाना पीना हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं अपने टेंट में आप सोने के लिए। नाश्ता डिनर कर लिया हम लोगों ने सभी दोस्तों ने, अब चल रहे हैं। डिनर करने के बाद चलते हुए अपने टेंट की ओर। सो रहे हैं, सारे दोस्त सो चुके हैं। अब अगली मॉर्निंग सुबह 3 बजे उठ के हम लोग जाएंगे चंदनवाड़ी, चंदनवाड़ी पे। और जो चंदनवाड़ी का जो यहाँ से पहलगाम चंदनवाड़ी का जो रास्ता होगा वो हम बाय बस या तो फिर कार के जरिए ट्रैवल करेंगे, जिसका रेट आपको उस समय सुबह के टाइम ही बता देंगे। और सुबह फिर हम 3 बजे यहाँ से निकलेंगे नहा धो के फ्रेश होके। दोस्तों, यहाँ का जो भी आपको यहाँ पर सुविधाएँ मिलती है ना, तो हम आपको सुबह के टाइम पे ही बता देंगे कैसी क्या सुविधाएं मिली है, बाथरूम की, खाने पीने की। खाने पीने में तो आपने देख लिया सब कुछ एकदम फ्री है और ओके, खाने पीने की कमी नहीं है, वॉशरूम भी ठीक है, अच्छा है। और बाकी सुबह देखते हैं सुबह कितनी भीड़ और कैसा रहता है। ओके दोस्तों, गुड नाइट, नेक्स्ट मॉर्निंग मिलते हैं। दोस्तों, सुबह के 5 बज रहे, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से चंदनवाड़ी के लिए, नूनवाना बेस कैंप से। जो आपका रेंट आपको बता देंगे अभी, हफ्ते पहले हम यहाँ पे चाय पानी कर लेते हैं, सुबह नहा धो के सुविधा एकदम ओके है, सब कुछ मज़े आ रहे हैं, यहाँ पे एंजॉय हो रहे हैं। और अब चलते हैं सीधा चाय कॉफ़ी पीते हैं, फिर सीधे चंदनवाड़ी के लिए निकलते हैं। सुबह का नाश्ता भाई, दलिया चाय पानी, उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं। जय बोले, जय बोले प्रमोद, जय बोले, जय बोले सुनील। चंदनवाड़ी का ये चेक मतलब यहाँ से हम लोग आप एग्जिट कर रहे हैं, आगे से गाड़ी मिलेगी। और भाई इतने गाली है देख रहे हैं हम लोग भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, हमने वो चेक पोस्ट चेकिंग करवा लिया है। और हम लोग आप चंदनवाड़ी की ओर जा रहे हैं और देख सकते हो
दोनों तरफ हमारे आर्मी कैंप लगे हुए, काफ़ी सिक्योर फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह के 5 बजे से सूरज अभी तक नहीं निकला, और सब पहाड़ी पहाड़ है, ऑल ओवर मज़ा आ रहा है। दोस्तों ये रहे आपके टैक्सी लगे हुए हैं, यहाँ से हम चलेंगे टैक्सी पिकअप करेंगे चंदनवाड़ी तक। रेंट आपको बता देंगे कितना रेंट है। तो वही हम लोग चल पड़े, गाड़ी चल पड़ी है, पाँच दोस्त तीनों अलग गाड़ी में जा रहे हैं, और अभी सारे ग्रुप बैठा हुआ है, सब अनोन पर्सन है, सब मिल जाएंगे एक साथ। हर हर महादेव, हर महादेव। बहुत गाड़ियाँ थी यार, गाड़ियाँ बहुत है यार। हर हर महादेव, हर महादेव। जय बजरंगे, जय बजरंगे। हर हर महादेव, हर महादेव। हर हर महादेव, हर महादेव। बोले बम बम, 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 बोले हर महादेव, हर हर महादेव। हम लोग चंदनवाड़ी पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से हमारा है ट्रैकिंग पूरा पैदल मार्ग का। इस गाड़ी से आए थे हम लोग और हमारे दोस्त ये रहे। हमने अब 160 रुपये पर पर्सन यहाँ का किराया है पहलगाँव से चंदनवाड़ी तक का, तो सबने दे दिए। और यात्रा करने से पहले डंडे जरूर ले लेना, क्योंकि यात्रा अगर डंडे नहीं लोगे तो आपकी मुश्किल हो पाएगी, चढ़ाई एकदम ऊपर है और ऊपर जाना है माइनस में समझ लो। तो गर्म कपड़े पहन के आओ और टोपी साथ में लेके आओ, और प्लस में रेनकोट जरूर लेके आओ, क्योंकि यहाँ का मौसम सब चेंज हो जाए पता ही चलता। चलो दोस्तों चलते हैं फिर। आप ये है चंदनवाड़ी कैंप का चेकिंग काउंटर, यहाँ पे चेकिंग करवा के हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चेकिंग हो गई दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के नाम लेके हम लोग अब चलते हैं दर्शन करने के लिए। दोस्तों यात्रा स्टार्ट हो चुकी है भगवान का नाम लेके, महादेव का, चंदनवाड़ी से। अभी बहुत ऊपर है, किलोमीटर का पता नहीं, अभी तो बस स्टार्ट करी है। सभी दोस्त आगे अभी से यात्रा, यहाँ पे देखो आते हो ना तो स्लो स्लो ही करो, कोई ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड मत करना, क्योंकि धीरे चलो। दोस्तों देखो भाई इसकी फटकी है, ये बोला घोड़ा कर लो। देखो अगर सही बता रहा हूँ, अगर आप स्टेटमेंट मत दे, नॉर्मली स्लो चलना स्टार्ट करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, और जितना हो सके अपने पांव से चलो, अवॉइड करो, अपने पैर से चलो, इजी चलो, स्ट्रेस मत लो, यंग यूथ हो पैरों से चलो सबसे बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। थकान सबको होती है पर आराम आराम से चलो, हिम्मत नहीं हारने का, बाबा का नाम लो चलते रहने का। हर हर महादेव, हर महादेव। हाँ भाई दोस्तों, ओ मुशा, हाँ दोस्तों कैसा फील हो रहा है? चल तो लेने दो भाई साहब, इसके बाद इसकी हालत भी देखने लायक हो जाएगी। यहाँ पे ना तो जियो के नेटवर्क सबसे बढ़िया, एयरटेल खत्म है पूरे, जियो बेटा बोले जियो लेना, नीचे तक एयरटेल ऊपर आते ही जियो एक्टिव है, तो जियो लो। और यहाँ पे कैंप बेस कैंप आर्मी कैंप है, नॉर्मल सिविलियन से नहीं है, तो नीचे ही रुक सकते हैं, ऊपर आके रुकने की कोशिश मत करना। हो अभी सुबह का वक्त हो चुका है, हमें सुबह के 6:20 हो गए, 6:20 तो पता ही लगेगा, लगभग 8 घंटे तेरा नशा है, कल दर्शन होंगे, कितने दर्शन कल होंगे ना, कल होंगे दर्शन, आज नहीं होगा कुछ भी। दोस्तों बीच में आपको ऐसी सीढ़ियाँ भी मिल सकती मिलेगी, पहलगाँव से अगर आप नील थक गया है, रेस्ट कर रहा है, इसको मैं बोल रहा हूँ चलने को चल, लेकिन बहुत थक गया है सुनील, कोई बात नहीं मैं इसके साथ हूँ भाई। वो देखो ऊपर तक हमें जाना है, अभी तो हम बहुत नीचे हैं, लड़ाई बहुत ज़्यादा खड़ी है और थकान बहुत ज़्यादा, दोस्तों शुरुआत में ना चढ़ाई बड़ी खड़ी है, तो जितना आप रहा हूँ समझ सकते हो, तो शुरू में ही मोटिवेशन रखना है आपने, चढ़ाई करते समय ही मोटिवेशन मत छोड़ना, साथ में एक ऐसा बंदा रखना जो मोटिवेट करता रहे, जैसे हमारे साथ है हमारा दोस्त कमल और सुनील,
ये दोनों बंदे ऐसे हैं भाई साहब, रफ्तार मार के भाग रहे हैं। फाइनली पिछले टॉप पहुंच चुके हैं, चारे खुशी देख सकते हैं, कितने खुश हैं हम लोग। सही है सही। अभी पीछे एक वीडियो में से बोला हुआ है कि मैं बहुत थक गया हूं। तो 6:30 चले थे और 8:30 दो घंटे पिछले टॉप खुशी खुशी मजा आ गया। दोस्तों ये है पिछले टॉप का नजारा, यहाँ से चंदन पिसू नीचे से चंदनवाड़ी से ऊपर 3 किलोमीटर दूर है, ऊपर है और काफ़ी लंबी ऊंचा काफ़ी हाइट पे है ट्रैकिंग। तो धीरे धीरे आओ यार, बहुत टफ है, देख रहे हो नज़ारा कितना सुंदर है यार। कोई पैसा लगेगा आपको एनर्जी के लिए, नीचे से कुछ भी ऐसा ड्रिंक करके नहीं ले जानी, जब जिससे आपके बैक के वजन बढ़े, सब कुछ यही मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अपने कपड़े वगैरह ही लेके आए, मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है आपकी, आपकी किसी भगवान ना करेगा तबीयत खराब हो, लेकिन होगी। यहाँ आर्मी के बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, सारी सारी फैसिलिटी है, नीचे से कुछ नहीं लेके, सुविधाएं सारी मिलेगी आपको यहाँ पे। पिसो टॉप से पूरी ढलान है, लंबे लंबे कदम बढ़ाओ और कवर कर लो जितना कर सकते हो, नहीं तो फिर क्या रहेगा कमल, कमी रहेगी, फिर आप पंचतरणी नहीं पहुंच पाओगे, फिर अगले दिन आपको फिर आरती में सबसे पहले जाने से थोड़े तो जल्दी करना पड़ेगा ही। बिल्कुल, तो ध्यान रखना बातों को और कदम बढ़ाते रहो। हर हर महादेव। ये ठोस बर्फ है, इसकी हाइट लगभग 10 से 12 फीट है। ये जो बर्फ है बर्फीले टाइम पे आकर जम जाती है और फिर गर्मी के टाइम में पिघलती है, जिससे ये सोर्स ऑफ वाटर बनती है। दोस्तों बहुत अच्छा ट्रैक जा रहा है, बहुत थकान हो रही है, अभी तो ढलान आ रही है तो मज़ा आ रही है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई आती है ना तो काफ़ी दिक्कत आती है ट्रैक में। और जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे कितने अच्छे और सुंदर पहाड़ है यार, अगर अमरनाथ का ट्रैक जरूर आओ, थोड़ा टफ है पर दोस्तों के साथ आओ, मज़ा बहुत आएगा। पिसू टॉप से शेषनाग के लिए जाते हो ना तो आपको 2 बजे तक शेषनाग पहुंच जाना है, क्योंकि वहाँ पे अंदर एंट्री पे क्लोज जाती है, आप आगे जा नहीं पाओगे, आपको वहीं रुकना पड़ेगा, फिर अगले दिन फिर अगर यात्रा कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जितना हो सके 2 बजे से पहले पहले सेम डे शेषनाग क्रॉस कर लो, चेक पोस्ट बेस कैंप सबसे बढ़िया है, आगे आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको जानकारी दी है मैंने कुछ इसलिए ताकि आप इन फ्यूचर आते हो तो आपके काम आ जाए। दोस्तों इस वक्त हम लोग है 11,000 फीट की ऊंचाई पे और यहाँ पे अचानक से ठंडी हवा बहुत ज़्यादा बहने लगी है, बादल देख सकते हो आप कितने ज़्यादा घने छाए हुए हैं और हवा काफ़ी ठंडी हो गई है, पट्टी लगा ली है क्योंकि कानों में हवा बहुत तेज़ लग रही है, अभी हो सकता है हम लोग जैकेट भी पहने क्योंकि अभी ट्रैकिंग कर रहे हैं तो नॉर्मली गर्मी चढ़ी हुई है। और पीछे देख सकते हो शेषनाग जो अपने आप में ये एक खूबसूरत का प्रतीक है, इतनी सुंदर लग रही है, एकदम ठहरी हुई सी है, इसका पानी पूरा बह के आ रहा है नीचे से, इसमें पानी कहाँ से आ रहा है उसका आइडिया नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से चंद हम लोग पिसू टॉप से शेषनाग तक आ गए हैं, शेषनाग अभी भी वो छोटा दिखाई दे रहा होगा, लगभग 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे जाके हम अच्छा भरपेट नाश्ता करेंगे भंडारे का और वहाँ से चेकआउट करेंगे, उसके आगे फिर चलेंगे। तो थोड़ा देर बैठेंगे, अभी दोस्त बैठे हुए हैं मेरे सारे, चलो दोस्तों से मिलते हैं, कितने थके हुए पूछते हैं उनसे। कमल भाई कितने थक गए हो भाई? मैं तो 20 मिनट हो गए आए हुए, तुम्हारा जो यूट्यूबर है ना ये गोटीला चल रहा है प्रमोद 20 मिनट, तेरे भी 20 मिनट हो गए, तो भाई देख सकते हो ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। शेषनाग का चेकपॉइंट क्रॉस कर लिया है, लास्ट टाइम 2 बजे की थी, उसके बाद से आपको मतलब चेकपॉइंट क्रॉस नहीं करने देंगे, आगे नहीं जाने देंगे, आपको वहीं स्टे करना पड़ेगा और वहाँ पे स्टे थोड़ा महंगा है, काफ़ी ज़्यादा 500 रुपये पर पर्सन है रेट कैंप का, तो मुश्किल पड़ेगा। आप आगे क्यों जा रहे हैं? आगे रास्ता थोड़ा चढ़ाई है, थोड़ा काफ़ी चढ़ाई लगती हुई है, देखो वो रास्ता जा रहा है। शेषनाग से दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं, हमें उम्मीद नहीं थी इतना चल पाएंगे, लेकिन फौजी साहब के सारे सारे ना धीरे धीरे हम लोग काफ़ी बहुत कवर कर लिया, आपको तो पता भी चला है कहाँ थे कहाँ पहुँच गए। दोस्तों शेषनाग वाला रोड है देखो, जो मैं दिखा रहा हूँ कुछ लोग आ रहे हैं, उसकी बड़ा खतरनाक है, छोटी सी टेढ़ी बनी हुई है बस, छोटी सी 14,000 फीट पे इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही है और नज़ारे से आई
हल्की हल्की बूंद गिर रही है। सरप्राइज टाइम दे रहे हैं दोस्तों। चढ़ाई करते करते टांगे फट चुकी है बिल्कुल से, क्योंकि चढ़ाई बहुत खड़ी है भाई। जो भी नाग शक्ति नहीं क्या है शेष नाग से आता है वो अपना घोड़ा कच्चर कर ले भाई, नहीं तो यहाँ पे तुम्हें टांगे जवाब दे जाएगी। एकदम खड़ी चढ़ाई है, सब बैठे हुए देखो भाई, हर 10 मीटर पे बंदे बैठे मिलेंगे आपको। बहुत बुरा हाल हो रखा है, यहाँ नीचे से आ रही है दोस्तों। मौसम देख रहे हो बादल कैसे छा रखे है, 15,000 फीट के ऊपर है इस वक्त हम। ठंड बहुत ज्यादा हो रखी है, हाथ ठंड हो चुके हैं। जहाँ रेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे पैर अकड़ जा रहे हैं ठंड के मारे। देख रहे हो बादल है, बादलों के ऊपर है भाई हम लोग। कुछ दिख रहा हो रहा है नहीं, और नहीं दिखेगा भाई तुम्हें। बहुत खतरनाक है भाई चढ़ाई तो 14,000 से 15,000 की फीट के ऊपर है हम लोग। देख रहे हो कितना घना बादल छा रखे कोई रहे। नाक से एनजी टॉप टॉप आपकी खड़ी चढ़ाई है लगभग, और जैसे ही आप एमजी टॉप आते हो उसके बाद ढलान है, और यहाँ पे ये 15,000 फीट पे है टोटल एमजी फीट। तो काफ़ी थक गया है, या तो आप शेषनाग से स्टे कर सकते हो, या तो अगर निकलते हो तो आपको पूरा करना पड़ेगा। और पीछे हमारे इंडियन आर्मी जवान वो भी आपको बोलते रहेंगे चलते रहो, क्योंकि किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, आपको साथ मिलने की जमीन है उनका काम है। तो दोस्तों बहुत थक चुकी है बहुत ज़्यादा, एमजी टॉप पे पूरा आपको खुला ग्राउंड मिलेगा, पर यहाँ पे किसी को रुकने की इजाज़त नहीं है, सबको आगे बढ़ते रहना है। और यहाँ से ढलान ही है, तो आई होप यात्रा इजी रहे। देखते हैं दोस्तों आगे क्या रहता है। एमजी टॉप से उतरते ही जो भी हाई एटीट्यूड लैटीट्यूड थे कम होते रहेंगे, और यात्रा इजी होती रहेगी, और यहाँ के नज़ारे अलग ही देखने को मिलेंगे आपको। देख सकते हो लोगों को, दोस्त मेरे दोस्तों को काफ़ी परेशानी हो रही है, लगातार चल रहे हैं दोस्तों। वहाँ ऊपर थे हम लोग, पता नहीं कितना ऊपर थे समझ में नहीं आ रहा, एमजी टॉप पे थे। वहाँ से आप पोस्ट पत्री आ गए, आप पोस्ट पत्री पे आप अगर घोड़े से आते हो तो ठीक है थके नहीं हो, अगर ऐसे पैदल आते हो तो आप थक गए हो, कंफर्म थक गए हो। यहाँ आके भंडारा खाइए और रहिए, क्योंकि हम लोग तो बहुत थक गए हैं। ये पोस्ट पत्री है देख सकते हो दोस्त, रहने का टेंट बना हुआ है, भंडारा भी बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे ज़रूर आओ, भंडारा खाओ रहो, उसके बाद मॉर्निंग में यात्रा स्टार्ट करो अगली। 15 किलोमीटर दूर रह जाती है होली केव, अमरनाथ बाबा की गुफा। ये भाई हमारा टेंट है, यहाँ पे हम सो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। काफ़ी काल लाल कम्बल अम्बल डबल मिल गया, और बाहर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है देख सकते हो। भाई बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तेज, टेम्परेचर बहुत गिर चुका है, हम लोग पूरा ठंड लग रही है। अभी जा रहे हैं लंगर खाने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ रुके हुए हैं, वहाँ पर लंगर खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों चलो जल्दी आ। दोस्तों पोस्ट पत्री में पहुँचने के बाद यहीं पे आपको लंगर मिल जाएगा, और यहीं पे ही जस्ट आपको दिल्ली वालों की तरफ से स्टे करने की सुविधा मिल जाएगी, जो कि लंगर की करवा रही है, और काफ़ी अच्छी सुविधा दे रखी है अंदर की, लंगर की भी और रहने की भी। और पोस्ट पत्री में क्या होता है कि 6 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है, तो इसीलिए आपके अगर 6 जो भी हो आते हो तो एंट्री आपकी बंद नहीं रुकना पड़ेगा। यात्रियों के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा कर रखी है, और दवाइयों की भी सुविधा अच्छी कर रखी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आओ यहाँ पर रुको, अगले मॉर्निंग यात्रा स्टार्ट करो। हर महादेव। अगले मॉर्निंग हम लोग निकलेंगे पंच चढ़ने की ओर, जो कि 8 किलोमीटर का ट्रैक है। उसके बाद बाबा अमरनाथ की गुफा के लिए निकलेंगे, जो कि 8 किलोमीटर का ट्रैक है। तो ये चीज़ें आप